हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में अपना अमीबा वाला टॉपिक चल रहा था, जो यूनिट थर्ड में मैंने आपको बताया था जूलॉजी के अंदर। यहाँ पे अपनी बात चल रही थी कि जो अमीबा की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आपको, तो अपने मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि तीन पार्ट होंगे। एक तो मैंने आपको इसके अंदर बताया था प्लाज्मा लेमा, दूसरा बताया था साइटोप्लाज्म, और तीसरा उसके अंदर कौन सा बताया था, लास्ट वाला जो अपने पास यहाँ पे अमीबा के अंदर था साइटोप्लाज्म, बाद में न्यूक्लियस था। लेकिन अपनी बात हो रही थी कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी आपको मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या होंगे। वहाँ पे आपको वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो बताया था एंडोप्लाज्म, एक बताया था एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म की अपनी बात हो गई थी, लेकिन एंडोप्लाज्म की अपन बात करें कि अमीबा के अंदर आउटरी जो प्लाज्मा लेमा थी, यानी कि प्लाज्मा लेमा के अंदर जैसे कि अमीबा की स्ट्रक्चर है, इस अमीबा की स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो होगा वो तो कौन सा होगा, एक्टोप्लाज्म। लेकिन जो इनर पोर्शन में होगा वो कौन सा होगा, एंडोप्लाज्म होगा। एंडोप्लाज्म एक कणिकीय भाग होता है, तरल भाग होता है, जिसमें क्या होता है, कणों का क्या होता है, एक चक्रण पाया जाता है। तो कौन सी गति होती है वहाँ पे, एक प्रकार की चक्रीय गति होती है। तो चक्रीय गति किन में होगी, वहाँ पे कणिकीय तरल भाग के अंदर क्या होती है, वहाँ पे चक्रण की गति पाई जाती है। अब अपन अमीबा के अंदर चक्रण की गति के अंदर बात करें कि अमीबा में मैंने आपको बताया था कि जो चक्रण पाया जाएगा, कणिकीय भाग पाया जाएगा, उसमें कुछ प्रकार की संरचनाएं विशिष्ट होती है। संरचनाओं में मैंने आपको सबसे पहले बताया था फूड यानी वैक्यूल्स के बारे में बताया था। वैक्यूल के अंदर अपने पास आता है एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका के लिए मैंने बताया रिक्तिकाओं में क्या करेगी, वहाँ पे परासरण नियमन का कार्य करने में यानी ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करने में कौन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्पफुल होती है। फूड वैक्यूल जो फूड का संचरण करती है, वाटर वैक्यूल इसका काम अज्ञात है, लेकिन अपन बात कर सकते हैं कि ये क्या करता है, वाटर रेगुलेशन यानी कि वाटर के फ्लो को बनाए रखने का कार्य करता है। अब उसके बाद में अपन बात करें कि उस कणिकीय भाग के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो अमीबा की जो स्ट्रक्चर बताई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या, यानी कि जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, वहाँ पे छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। उन छोटी छोटी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब बात करेंगे कि जो अमीबा होता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो एंडोप्लाज्म होता है उसके अंदर यानी कि सबसे पहले ER पाई जाती है। ER का मतलब होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपृद्वी जालिका। तो जो अंतःपृद्वी जालिका होती है ये छोटी छोटी स्लिट्स के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे स्लिट्स के अंदर ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यहाँ पे अंतःपृद्वी जालिका की ये संरचना पाई जाएगी, इनके ऊपर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल पाए जाएंगे, इनको क्या कहा जाएगा, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम आपको पता है क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे अंतःपृद्वी जालिका पट्टिका रूपी संरचनाएं होती है और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इन कणों को क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह होती है वो दो प्रकार की, पहली बात करें कौन सी होती है, यहाँ पे स्मूथ प्रकार की यानी चिकनी, जिसके ऊपर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। दूसरी होती है रफ प्रकार की, जिसे बोल सकते हैं खुरदरी प्रकार की, जिसके ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो ये दो प्रकार की इसके ऊपर क्या होती है, यहाँ पे सतह की बात करें तो दो प्रकार की होती है। अब बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के बाहर की तरफ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जो क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। ये यहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे गति करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये गोलाकार अंडाकार संरचना होती है जो एंडोप्लाज्म में बिखरी हुई होती है, और संकुचनशील जो धानी होती है यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर बिखरी हुई संरचना के अंदर ये पाए जाते हैं, कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अपन बात करें लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहेंगे, आत्मघाती थैली, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, पचाने का कार्य करते हैं। हम बोलते हैं इसको आत्मघाती थैली, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर देते हैं, कभी कभी यहाँ पे उन पाउचेस के फटने के बाद जो एंजाइम होते हैं वो किस में आ जाएंगे, कोशिका के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर की तरफ क्या
क्या लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाएंगे, उनको क्या कहा जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जब रैप्चर हो जाते हैं तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम किस में आ जाएंगे, कोशिका में, और ये क्या करेंगे, कोशिका के जो भी मैटर होगा उस मैटर को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, पचा जाएंगे, जिससे कोशिका कैसे हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसे क्या बोला जाता है, कोशिका की आत्मघाती, यानी कि ये क्या कहलाता है, आत्मघाती थैली कहलाती है, सुसाइडल पोइचेज भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम के पार्टिकल भी पाए जाते हैं। ये राइबोसोम के पार्टिकल किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति मैंने आपको बताई कि ये राइबोसोम के पार्टिकल किस पे उपस्थित होंगे, ईआर पर पाए जाते हैं। जहाँ पर पाए जाएंगे वो तो कौन सी कहलाएगी, यहाँ पे यानी कि खुरदरी प्रकार की, जिस पे नहीं पाई जाती वो कौन से कहलाएंगे, चिकनी प्रकार की। लेकिन ज़्यादातर किस प्रकार की पाई जाती है, रफ प्रकार की, खुरदरी प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके अंदर पाई जाती है। लास्ट अपन बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जो होता है, ये अमीबा का सेंटर पॉइंट में केंद्रीय भाग के अंदर पाए जाने वाली एक स्पष्ट या सुस्पष्ट संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। ये एक गोलाकार संरचना होती है और एंडोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर उभयोतल और तस्त्रीनुमा ये संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रक। आपको पता है कि जो केंद्रक की जो संरचना होती है, इस केंद्रक के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलेमा, या फिर बोल सकते हैं यहां पर केंद्रक कला। ये केंद्रक कला पाई जाती है और केंद्रक कला के ऊपर भी आपको पता है यहां पे एक यानी छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से ही किसका क्या प्रेजेंट होती है, छिद्रों पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे अमीबा में बात करेंगे तो अमीबा में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर, यहाँ पे क्या होगा कि इसमें केंद्रक के ऊपर जो कला पाई जाती है इसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कला। और केंद्रक के अंदर जो फ्लूड भरा होता है ये तो कहलाएगी केंद्रक कला, और इसके अंदर जो फ्लूड भरा होता है, जो तरल भरा होता है, इसे क्या कहा जाएगा, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव कहा जाता है। आपको पता है कि जो इसके अंदर जो न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूरोलेमा कहा जाता है, और इसमें जो ये जो द्रव होता है, इस द्रव के अंदर यहाँ पे जाल रूपी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटीन जाल। आपको पता है सेल डिवीजन के बाद क्रोमेटीन जाल, जब ये जो क्रोमेटीन जाल होता है सेल डिवीजन के दौरान किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम का, गुणसूत्रों का निर्माण करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। लेकिन यहाँ पे हम केंद्रक में क्या क्या प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे कई संरचनाएं पाई जाती है। एक तो केंद्रक द्रव हो गया, केंद्रक द्रव के साथ साथ इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसका यानी कि जिसे बोलेंगे हम केंद्रिका। जो ये केंद्रिका होती है, केंद्रिका की खोज आपको पता है किसने की, फोंटाना ने की थी। तो यहाँ पे एक संरचना पाई जाएगी केंद्रिका, और इसमें जाल रूपी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटीन का जाल। क्रोमेटीन का जाल मैंने आपको बताया, इसमें भी दो रीजन पाए जाते हैं, एक तो डार्क रीजन, एक लाइट रीजन। जो डार्क रीजन होता है, लाइट रीजन होता है, उसका यानी कि यहाँ पे क्षेत्र होता है, उसे कहा जाता है यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन। जो क्या करता है, सेल डिवीजन के दौरान इनका क्षेत्र क्या होता है, डाइज से अभिरंजित हो जाता है। अभिरंजन के दौरान यहाँ पे दो क्षेत्र बनते हैं, एक तो हल्का क्षेत्र और एक कौन सा बनता है, गहरा क्षेत्र बनता है। ये नेक्स्ट बात है, अपन ऑर्गन की बात करेंगे, उसमें बताएंगे डिटेल से। तो ये तो क्या हो गया, इसके एंडोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गन्स हो गए। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ अमीबा है, इस अमीबा में लोकोमोशन पाया जाता है, यानी गमन की क्रिया पाई जाती है। और ये जो गमन की क्रिया होती है, इस गमन के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, लोकोमोशन की क्रिया, यानी लोकोमोशन का मतलब यह हो गया कि जो अमीबा है, इस अमीबा में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मत दिए हैं किस प्रकार से ये गति करते हैं। तो अमीबा की आकृति मैंने बताई थी, अनियमित आकार की इसकी आकृति होती है। इसके दौरान ये जो यानी कि यहाँ पे हमारे पास लोकोमोशन की जो क्रिया होगी, ये क्रिया यानी इसके दौरान अमीबा के शरीर के अंदर आपको मैंने बताया था दो प्रकार का यानी कि प्लाज्म पाया जाता है, वो भी बाहरी होगा एक्टोप्लाज्म,
इनर होगा वो कौन सा होगा, एंडोप्लाज्म होगा। तो यहाँ पे अमीबा के अंदर अपन यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत दिए। सबसे पहले नंबर का यहाँ पे सिद्धांत की बात करें, देखो अमीबा में क्या बनते हैं, इसकी सतह के ऊपर ये क्या कहलाती है, यहाँ पे प्लाज्मा लेमा। ये प्लाज्मा लेमा इस फ्लूड के यानी कि दबाव से क्या बना लेती है, अंगुलीनुमा उभार बनाती है। ये जो अंगुलीनुमा उभार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शूडोपोडिया कहलाते हैं। ये जो शूडोपोडिया होते हैं इनके द्वारा ये क्या कर लेते हैं, गमन करते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे भी क्या होती है, यहाँ पे शर्तें होती है कि ये जो कूटपात होते हैं इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और ये सतह से किस प्रकार से टच होते हैं। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे कि अमीबा का सतह से क्या करना, संपर्क करना। तो अमीबा का फर्स्ट हो गया सतह से संपर्क करना, यानी कि वो क्या करती है, यहाँ पे सतह से संपर्क करती है। दूसरा यहाँ पे देखा जाता है कि जो अमीबा होता है इस अमीबा में सतत शांतता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो सतत शांतता में परिवर्तन देखा जाता है। ये दो प्रकार का होगा, क्योंकि ये क्या होगा, सबसे पहले अमीबा अपनी बॉडी को यानी कि अपनी प्लाज्मा लेमा को सतह से टच करता है। दूसरा उसमें यानी कि यहाँ पे देखी जाएगी जो शांतता होती है, जो लिक्विड पोर्शन होता है एंडोप्लाज्म में, उसकी शांतता देखी जाती है। यानी कि शांतता में भी आपको बताया था अस्थायी तौर से पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, जेल पाया जाता है। अमीबा की बॉडी में पीछे की तरफ तो क्या पाया जाएगा, जेल। आगे किस में कन्वर्ट होगा, वो शॉल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये चेंजिंग की क्या पाई जाती है, इसके अंदर क्रिया पाई जाती है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले इनके सिद्धांत देखते हैं कि लोकोमोशन में कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या सिद्धांत दिए। सबसे पहला देखा जाता है संकुचन जलीय सिद्धांत। जो संकुचन जलीय जो सिद्धांत है, ये संकुचन जलीय सिद्धांत किसने दिया था, सुलजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इनके नाम बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहला जो है संकुचन जलीय सिद्धांत, वो दिया था किसने, सुलजे ने। जलीय सिद्धांत सुलजे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने बताया था, सुलजे ने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अमीबा है, इस अमीबा में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे संकुचन के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जिसके दौरान वो क्या कर लेता है, यहाँ पे लोकोमोट कर लेता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर लेता है। दूसरा आता है यहाँ पे एक यानी सरफेस टेंशन वाला, दूसरा जिसे बोला जाता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, इस पृष्ठ तनाव जो मत है इसको दिया था किसने, बर्थोल्ड ने। बर्थोल्ड इन्होंने बताया यहाँ पे पृष्ठ तनाव, आपको पता है किसी भी एरिया की, जैसे कि उसका जो यहाँ पे पृष्ठ वाला भाग होता है उसके ऊपर एक टेंशन लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। जो क्या करता है, अमीबा के शरीर से धरातल से किसी भी पृष्ठ तनाव को कम हो जाने के कारण वो क्या करता है, वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के यहाँ पे क्या होता है, दबाव के दौरान वो एक अंगुलीनुमा उभार बना देता है। ये अंगुलीनुमा जो उभार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कूटपाद कहलाते हैं, जिसके द्वारा ये क्या कर लेते हैं, गमन कर लेते हैं। तीसरा अपन मत देखे लुढ़काव मत आता है। ये लुढ़काव मत आपको पता है किसने दिया था, जैनिंग्स ने दिया था। तीसरा आता है लुढ़काव मत, लुढ़काव मत ये दिया था जैनिंग्स ने। जैनिंग्स नहीं, यानी कि लुढ़काव, यानी अमीबा क्या करता है, लुढ़क कर अमीबा अपनी बॉडी से जो साइटोप्लाज्म होता है उसको आगे की तरफ डालेगा, तो उसकी बॉडी क्या होती है, यहाँ पे सर्कुलर शेप में चली जाती है। तो अमीबा में कौन सा मत होता है, यहाँ पे कंप्लीट लुढ़काव मत माना जाता है। नेक्स्ट संकुचन एवं चलन गति सिद्धांत। ये संकुचन एवं चलन गति सिद्धांत किसके द्वारा दिया था, यहाँ पे डैलिंजर के द्वारा। और डैलिंजर ने भी यहाँ पे बताया था कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे संकुचन के दौरान ये क्या करते हैं, अपने कूटपादों के द्वारा क्या कर लेते हैं, गमन की क्रिया कर लेते हैं। तो ये मत इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मत आता है सोलजेल मॉडल। सोलजेल थ्योरी एक सर्वमान्य थ्योरी मानी जाती है। सोलजेल थ्योरी एक सर्वमान्य थ्योरी मानी जाती है, किसके लिए, यहाँ पे लोकोमोशन के लिए। सोलजेल सिद्धांत, ये सिद्धांत एक सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में यहाँ पे इसका जो प्रतिपादक है, प्रतिपादक ये कौन से साइंटिस्ट हैं, हाइमन इसके प्रतिपादक हैं, लेकिन यहाँ पे सहायक की बात करें तो वो कौन से हैं, यहाँ पे एक तो है पेंटिन, एक कौन से हैं, पेंटिन व मास्ट। ये दो साइंटिस्ट हैं पेंटिन व मास्ट, ये सहायक हैं, और हाइमन ने इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। सोलजेल मॉडल के लिए यहाँ पे बताया गया था
कि मैंने आपको बताया था अमीबा के अंदर पीछे वाले भाग में देखो ये भी किस में होगा, बाहर की तरफ अमीबा की यहाँ पे प्लाज्मा लेमा की तरफ जो द्रव होता है वो तो एक्टोप्लाज्म कहलाता है, जबकि जो इनर की तरफ होगा वो कौन सा कहलाएगा, एंडोप्लाज्म कहलाता है। ये अमीबा की बॉडी स्ट्रक्चर हो गई। इसमें आपको मैंने देखो इनर की तरफ आपको एक प्लाज्म ये लिक्विडिटी बताई है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्म कहलाता है। इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो जैल, ये जैल कैसा होता है यहाँ पे गाढ़ा पदार्थ होता है, जबकि एक होता है शोल, ये कैसा होता है यहाँ पे तरल पदार्थ होता है। यहाँ पे जैल यानी जो होता है ये जैल क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है, और ये जैल किस में परिवर्तित होता है, सोल में, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, सॉलेशन की क्रिया कहलाती है। ये क्रिया क्या करती है, पश्च सिरे से अग्र सिरे की ओर आती है। यहाँ पर क्या होता है कि एक मैंने आपको कल बताया भी था, यहाँ पे काचाब द्रव पाया जाता है जो क्या करता है आगे की तरफ एक हाईलाइन कैप का निर्माण कर देता है। हाईलाइन कैप का मतलब जो प्लाज्मा लेमा होती है, इस प्लाज्मा लेमा की ओर जिधर की तरफ द्रव को धकेला जाता है वहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हाईलाइन कैप कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, सोलजेल मॉडल के अंदर जो एंडोप्लाज्म है, इस एंडोप्लाज्म की देखो यहाँ पे चलन गति पाई जा रही है, ये यानी द्रव क्या हो रहा है आगे की तरफ इसका फ्लो जा रहा है। देखो पीछे की तरफ यहाँ पे, पीछे की तरफ और इसमें आगे की तरफ, यहाँ पे देखो स्पष्ट रचना दिखाई दे रही है आपको, मैंने बताया इसमें क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाए जाएंगे, फूड वैक्यूल्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अमीबा की स्ट्रक्चर में पीछे की तरफ क्या बनेगा, यहाँ पे देखो रीजन ऑफ जिलेशन, ये क्या है, पीछे की तरफ जैल है और ये जैल पीछे की तरफ से यानी मूव करेगा आगे की ओर, आगे की ओर किस में कन्वर्ट होगा, ये जो जैल है ये जैल आगे की तरफ आएगा और किस में चेंज होगा, यहाँ पे शॉल के अंदर चेंज होता है। तो ये गाढ़ा पदार्थ होता है जो किस में चेंज होगा, यहाँ पे तरल पदार्थ के अंदर चेंज होता है। अब देखो ये बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, एक्टोप्लाज्म, सॉरी ये बाहर की तरफ जो है यहाँ पे प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा के सिरे के ऊपर कौन सा द्रव बहता है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था एक्टोप्लाज्म, ये प्लाज्मा लेमा हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा आगे की तरफ, तो क्या होगा यहाँ पे आगे की तरफ किसका फॉर्मेशन होता जाएगा, सॉल का फॉर्मेशन होता जाएगा और जेल बदलता जाएगा किसमें, सॉल के अंदर। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पे ये वाली क्रिया जेल का सॉल में कन्वर्ट होना सॉलेशन कहलाएगा और सॉल का वापस से जेल में कन्वर्ट होना कौन सा कहलाएगा, जिलेशन कहलाता है। देखो जेल का सॉल में सॉलेशन और सॉल का यानी ये जो शोल है इसका जेल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, जिलेशन की क्रिया। लेकिन ज़्यादातर कौन सी क्रिया होती है, सॉलेशन की क्रिया, द्रवीकरण की यहाँ पे क्या होती है, क्रिया पाई जाती है। इसीलिए इस मत में क्या होता है, जैसे ही अमीबा किसी सतह से टच करता है अपनी बॉडी को संपर्क में लाता है, जिसके दौरान संपर्क में लाने के दौरान इसमें क्या होता है, पहले में यहाँ पे प्लाज्मा लेमा, आपको पता है धरातल से कौन अटैच होगी, ये प्लाज्मा लेमा चिपकेगी। प्लाज्मा लेमा चिपकने के बाद में जो दूसरा स्टेप आएगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे अमीबा में उपस्थित जो प्लाज्मा सोल है वो गति की दिशा में, ये शोल है गति की दिशा में क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि जैल किसमें कन्वर्ट हुआ है, सोल में, और सोल एक तरल पदार्थ है जो क्या करेगा आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ जिस तरफ मूव करता है वहां पे एक कैप का निर्माण हो जाता है। देखो आपको एक कैप दिखाई दे रही है, एक कैप का निर्माण होता है, उस कैप को क्या कहा जाता है, हाईलाइन की कैप। ये हाईलाइन की कैप ही आगे चलकर किसका निर्माण करती है, शुडो पोडिया का। ये शूडोपोडिया यानी कूटपाद ये क्या करते हैं, जिसके दौरान कूटपाद जिस दिशा में बढ़ते हैं उस दिशा की ओर क्या करते हैं, ये गमन करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे इनके अंदर क्या होता है कि पश्चिम भाग के प्लाज्मा जेल जो गाढ़ा पदार्थ होता है वो सोलेशन होने लगता है और सोलेशन में के दौरान वो किस में बदलता है, प्लाज्मा सोल के अंदर बदलने लगता है। ये केंद्रवर्ती प्लाज्मा सोल आगे की ओर बहने लगता है जो एक दुर्बल क्षेत्र होता है, यहाँ पर सोलेशन की क्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है, जो क्या करता है एक उभारनुमा केप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस केप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, हाईलाइन की केप कहा जाता है। ये हाईलाइन की केप जो होती है
ये हाईलैंड की केप के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, यहाँ पे सुडोपोडिया का निर्माण होता है। तीसरे स्टेप में अपन देखेंगे पश्च भाग से जैल शॉल में बदलना और क्या करना, उत्पाद का फॉर्मेशन करना इसका फंक्शन होता है। चौथे स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जेल में बनी हुई जो नलिका होती है, देखो ये एक फ्लो चल रहा है, एक नलिका रूपी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये संकुचनशील नलिका जो दबाव डालती है और क्रियाएं ये बार बार ये सर्कल में ही चलती रहती है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, चक्रीय गति। क्या कहा जाता है, चक्रीय गति। इस चक्रीय गति के द्वारा ही क्या करते हैं यहाँ पे कि सॉलेशन और जिलेशन की क्रिया होती है और अमीबा आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये फ्लो के दौरान ही यहाँ पे लोकोमोशन कंप्लीट होता है। तो ये लोकोमोशन की क्रिया हो गई। अब अपन यहाँ पे बात करें कि आपको पता है पोषण की जो क्रिया होती है, पोषण की क्रिया के लिए मैंने बताया आपको पोषण में यहाँ पे कौन सा होगा, एंडोसाइटोसिस की क्रिया पाई जाती है। एंडोसाइटोसिस में भी अमीबा क्या करता है, दो प्रकार की क्रियाएं करता है। देखो पोषण में अपन देखें जो न्यूट्रिशन की जो क्रिया होती है, पोषण की क्रिया, इस पोषण की क्रिया में अमीबा कौन सी क्रियाएं करता है यहाँ पे, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, अंतःग्रहण की क्रिया होती है। और अंतःग्रहण जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है फैगोसाइटोसिस, दूसरा कौन सा होता है, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण होता है, और जबकि यहाँ पे पिनोसाइटोसिस में किसका होगा, तरल पदार्थों का क्या होता है, अंतःग्रहण होता है। तो ये क्या होती है यहाँ पे अंतःग्रहण की क्रिया, अमीबा है, अमीबा की स्ट्रक्चर में ये क्या आ गया, फूड मटेरियल आ गया, इसके दौरान क्या करेगा यहाँ की प्लाज्मा लेमा अंदर की तरफ फोल्ड होगी और इसको क्या कर लेगी, आगे की स्टेप में ले लेगी, धीरे धीरे प्लाज्मा लेमा कंप्लीट करती है और फूड मटेरियल किधर की तरफ चला जाता है, इस कोशिका के अंदर चला जाता है। तो ये क्या हुआ, जब मैटर कैसा हो यहाँ पे, लिक्विड हो तो कौन सी क्रिया होगी, पिनोसाइटोसिस, और जब सॉलिड हो तो किस प्रकार की क्रिया होगी, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस की क्रिया कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे ये तो हुआ इसके अंदर पोषण की क्रिया। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे पोषण के बाद में श्वसन की क्रिया, तो श्वसन के लिए आपको पता है इनमें कौन सी, यानी सतह के द्वारा क्रियाएँ क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो जो क्या होती है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन घुली होती है वो ऑक्सीजन मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होती है, इनर की तरफ आती है और श्वसन की क्रिया क्या होती है यहाँ पे, कंप्लीट। नेक्स्ट अपन अमीबा के अंदर बात करें तो अमीबा में यहाँ पे कोशिकाओं के अंदर जो अपचित भोजन बच जाता है, उस अपचित भोजन को रिमूव करने के लिए वो क्या करती है, अपनी जो सतह होती है उसके द्वारा क्या करती है, बॉडी से रिमूव कर देती है। रिप्रोडक्शन में बात करें तो आपको बताया अमीबा का एक अच्छा एग्जाम्पल है बहुविखंडन या द्विविखंडन की क्रिया, जिसमें अमीबा में क्या होता है, केंद्रक में विभाजन के दौरान, केंद्रक में विभाजन होगा तो केंद्रक में विभाजन के दौरान ये क्या होता है, दो कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, बट जाता है। और दो कोशिकाओं में बट जाने के बाद यहाँ पे जो फ्री पार्ट होते हैं, दोनों अलग अलग पार्ट, वो क्या कर लेते हैं यहाँ पे, किसका निर्माण कर लेते हैं यहाँ पे, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में अपन इनमें बात करें एक्सक्रीशन की क्रिया, तो एक्सक्रीशन की क्रिया के लिए कैसे होता है, NS3 का बॉडी से रिमूव करते हैं, NS3 एक्सक्रीशन की क्रिया कंप्लीट होती है NS3। तो ये कैसे जीव होते हैं, अमोनोटैलिक, जो अमोनिया का बॉडी से क्या करें, निष्कर्षण करे, तो उसको क्या कहा जाता है, अमोनोटैलिक एनिमल कहा जाता है। अब यानी रिप्रोडक्शन में हो गया, कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ये एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और यहाँ पे श्वसन की क्रिया जो होती है, श्वसन की क्रिया के लिए यहाँ पे सतह के द्वारा होता है और ऑक्सीजन वाटर के अंदर क्या होती है, घुली होती है। तो यहाँ पे जो क्रिया ये कंप्लीट होती है वो होती है डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा, यानी विसरण की जो क्रिया होती है, उस विसरण की क्रिया के द्वारा गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज चलता है। तो इसके द्वारा उसमें क्या होता है, श्वसन की क्रिया भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये चैप्टर आज अपना यानी कि अमीबा के अंदर जो इंपॉर्टेंट बनता है बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ में लोकोमोशन इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये आप ध्यान रखना, ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। तो आज के लिए अपना अमीबा चैप्टर यूनिट 3 का कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।